हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू की रसेदार सब्जी, जिसको कि बनाना बहुत ही आसान है और इसको मैं बहुत ही कम ऑयल और मसालों में बनाऊंगी। साथ साथ मैं इसके अंदर जो टमाटर प्याज डालूंगी वो भी बहुत कम डालूंगी, क्योंकि अगर हम उन चीज़ को ज़्यादा कर देते हैं तो गोभी का जो नेचुरल टेस्ट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं इनको बहुत कम मसालों में, ऑयल में और बाकी चीज़ों में बनाऊंगी। हम जो है थोड़े टाइम बाद विंटर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो विंटर्स में गोभी आलू की सब्जी जो है बहुत टेस्टी लगती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आप लोग के साथ मैं ये शेयर करती हूँ, और आप लोग भी अगर इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, गोभी आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो गोभी आलू की सब्जी बनाने के लिए मैं गोभी को छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिया है। आलू को भी 3 से 4 बार अच्छी बार अच्छे से धोने के बाद फिर मैंने एक बार और पानी में डाल दिया है। थोड़ा सा पानी गर्म किया है गोभी के लिए। अब इसके अंदर हम गोभी को डालेंगे। तो पानी के अंदर थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और गोभी को डाल दिया, जिससे कि इसके अंदर अगर कोई कीड़े वगैरह होंगे तो वो पानी में ऊपर आ जाएंगे। तो कुछ वेजिटेबल्स जैसे पत्ता गोभी, गोभी, इनको हमें थोड़ा सा, या हरी सब्जियाँ, गर्म पानी में 5-7-10 मिनट तक हमें डाल देना चाहिए, जिससे कि इनके अंदर जो भी कीड़े हों वो ऊपर आ जाएँ। और अब थोड़ा सा गोभी को हम गलाएँगे। तो गलाने के लिए मैंने कढ़ाई का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं। थोड़ा सा कढ़ाई को गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर कटी हुई गोभी और आलू को डाल दिया है। इनको थोड़ा सा अभी थोड़ी देर तक के लिए मैं स्टीम दूंगी। अभी इनके अंदर मैंने पानी नहीं डाला है। थोड़ा सा देर मैं इसको ढक के रख दूंगी। 5 से 7 मिनट बाद मैं इसको खोल के देखूंगी। तो मैंने इसको 5 से 7 मिनट बाद खोल के देखा, अभी भी ये पूरी तरीके से, जैसे मुझे 50% गलाने हैं तो ये 25% समथिंग गले थे। तो मैंने इनके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा अभी मैं पानी डालूंगी, और इनको थोड़ी देर और मैं ढक के रखूंगी 5 से 7 मिनट के लिए, और गैस को बिल्कुल मैं सिम कर दूंगी। तो इसी तरीके से आप लोग पहले गोभी को या तो थोड़ा सा फ्राई कर लें ऑयल में, या फिर आप इसको थोड़ा सा स्टीम ले लें, क्योंकि अगर आप कम ऑयल में बना रहे हैं तो आप इस तरीके से स्टीम दे दें, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हैं। और जाली से ढक दिया है मैंने, इसके ढक्कन से नहीं ढका है ताकि ज़्यादा ना ओवर कुक हो जाए। अब हम गोभी को बनाने के लिए सारे जो मसाले हैं वो ले लेंगे। तो मैंने जो है ये सारा हरा धनिया धो के ले लिया है, 2 लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और 1 छोटा प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। प्याज अगर आप नहीं खाते हैं, लहसुन अदरक नहीं खाते हैं, आप स्किप कर सकते हैं, या आपके अपने ऊपर है। इन सब्जियों को थोड़ा आप ज़्यादा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब बाकी सारे मसाले मैंने ले लिए हैं, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया, सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। कूटने के लिए जो मर्तबान है इसका यूज़ किया है मैंने। और टमाटर के मैंने बीज भी निकाल दिए हैं और पीछे से छिलका भी निकाल दिया है। कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है देसी घी। आप चाहें तो जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और कटी हुई प्याज। प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस को बिल्कुल सिम रखेंगे और इसको धीरे धीरे चलाएँगे और ब्राउन होने तक इसका वेट करेंगे। और इसके अंदर अब मैंने डाल दिए थे लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो मैंने कूट के रखी थी वो। इसको भी साथ में ऑयल के अच्छे से भूनेंगे। सारे मसाले जो हैं मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताए थे। मसाले अच्छे से फ्राई होने के बाद तेल के अंदर मैंने इसके अंदर डाला टमाटर, और थोड़ी सी ऊपर से डाली है मैंने इसके अंदर लाल मिर्च जो कि मिस हो गई थी। अभी मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है ताकि टमाटर जो हैं आसानी से गल जाएँ। हमारा मसाला जो है बिल्कुल भुन चुका था, उसने ऑयल सेपरेट आउट हो चुका था। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर गोभी और आलू को डाल दिया है, और इसको भी अभी फ्राई करेंगे अच्छे से, जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे धीमी धीमी आंच पे। तो वो फ्राई हो चुकी थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा गर्म मसाला ऊपर। अब इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा साथ में फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते करते देखिए 5 से 7 मिनट हो गए थे और जो है पूरी तरह से फ्राई हो गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है पानी, और अभी इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे।
तो अब जैसे इसके अंदर देखिए बॉयल आ रहा है, तो बॉयल जब तक नहीं आता तब तक आप गैस को जो है हाई कर सकते हैं, उसके बाद गैस को आप मीडियम कर दें। नमक एक बार बीच में मैंने चेक कर लिया था कि अगर कम होगा तो और डाल देंगे, तो नमक थोड़ा सा कम था, मैंने थोड़ा सा नमक और ऊपर से डाल दिया। इस तरीके से आप लोग भी चेक कर सकते हैं। पानी देखिए बिल्कुल कम रह गया है, क्योंकि जो गोभी है अगर उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ना होता है, नहीं तो वो बिल्कुल सूखी हो जाएगी। तो अब देखिए गोभी बनकर रेडी है, आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, पूड़ी के साथ खाएं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और बाकी आप अपने तरीके से भी इसको बना सकते हैं, ये मेरा तरीका है जो मैंने आप लोग को शेयर किया है। तो आप इस तरीके से ट्राई करें, डेफिनेटली आपको ये गोभी की सब्ज़ी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और एक बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।